गाइस, मैं लेके आ गई हूँ एक न्यू वीडियो गेम प्ले। तो स्वागत है सभी का प्रिया गेमिंग चैनल पे। और मैं अभी इवेंट वाला खेलने वाली हूँ, नूसा मैप खेलने वाली हूँ। तो अभी मैं फाइनली, जैसे मेरे को बंदा दिखा, मैंने इस बंदे को किया नॉक और फिनिश। और मेरे को सामने भी एक बंदा दिखा था, तो इन दोनों को मैंने नॉक फिनिश किया, क्योंकि मेरे को गन मिल चुकी थी। और अभी यहाँ पे बहुत सारी स्क्वाड लैंड कर चुकी है, तो यहाँ पे इस इवेंट पे बहुत सारे बंदे वैसे भी लैंड करते हैं। फाइट लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो नीचे को नीचे सामने मेरे को एक बंदा दिखा था, तो इसको पहले फिनिश किया। और वापस से अभी नीचे जाके देखेंगे कि कितने बंदे दिखाते हैं। फाइनली यहाँ पे दूसरा बंदा भी, यहाँ पे उसका टीममेट आ चुका था और इसको भी मैंने फिनिश किया। फिनिश करने के बाद यार थोड़ी लूट की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे लूट थोड़ी बहुत की। वापस से अब चलेंगे हम नीचे की तरफ में, तो देखेंगे कितने सारे बंदे और हैं यहाँ पे, क्योंकि एक दो बंदे की यहाँ पे फूल स्टेप और आ रही है। एक दो बंदे मुश्किल से और भी बचे होंगे, तो ली तो थी बट मैंने उसी हटा दी। और वापस से मेरी लूट कर रही हूँ मैं, वापस से मेरी पेटी लूट करते हुए कितना अच्छा लग रहा है। इसका बंदा आया और मैंने नॉक किया, और इसका दूसरा बंदा भी आ चुका था, उसने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया भाई। कवर में जाके और वापस से यहाँ पे आगे, और मैंने इस बंदे को फिनिश किया पूरा। यहाँ पे सामने की तरफ मेरे को एक बंदा दिखा, इसको मैंने नॉक करने वाली थी कि यहाँ पे एक और बंदा, मेरे को फूल स्टेप तो आ रही थी आसपास में कहीं से, बट मेरे को पता नहीं चल रहा था कि बंदा यहीं पे है। तो इसने मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया, और वापस से मैंने हीलिंग की। और उसके बाद अभी देखते हैं फिनिश कर पाती हूँ या नहीं, या मैं ही फिनिश हो जाती हूँ। और मेरे को पता था कि मैं फिनिश होने वाली हूँ, क्योंकि तो अभी वापस से मैंने नेक्स्ट मैच लगा लिया है और स्टार्ट कर दिया है मैंने, और वापस से मैं इवेंट पर खेलूँगी। तो अभी लैंड कर चुके हैं और बस गन मिलनी चाहिए भाई, वरना विदाउट गन। और भाई बंदे गन मिल गई, अभी मैं कहाँ जाऊँ? अरे भाई मेरी तो बिल्कुल ही हालत खराब हो गई, उस बंदे ने मेरे को मारा भी नहीं भाई। गन होने के बाद भी मतलब उस बंदे को समझ नहीं आ रहा था कि किसको मारूं मैं। कंफ्यूज था बहुत ज्यादा, और मेरे को मौका मिल गया वहां से भागने का। तो वापस से मैं नीचे जंप करके आई और मैंने लूट किया यहाँ पे। मेरे को नीचे जंप करना पड़ा, वरना उधर मेरी पेटी बन जाती जरूर से। टू वी फोर मैं खेलने वाली हूँ। सामने की तरफ मेरे को एक बंदा दिखा था, बट ये यहाँ से नीचे की तरफ जंप कर गया। और जैसे ही इसको मैंने देखा, और फाइनल मैंने फिनिश किया, क्योंकि भाई इसके साथ मेरा टीममेट भी नॉक हो चुका था। तो सामने तो एक और बंदा है, तो इसको भी फिनिश करना पड़ेगा। अरे ये तो बॉट भैया थे भाई। सामने तरफ एक और बंदा है, तो इसको फिनिश करेंगे भाई। शॉर्ट गन कसम से बहुत मुश्किल होता है शॉर्ट गन के सामना करना। और फाइनली इसको मैंने फिनिश किया, और अभी अपने टीममेट को मैं दूंगी रिवाइव। हम करके पेटी तो बना ही देगा वो सामने की तरफ। यार मेरे को देखा, मैंने बोला था ना ये बंदा वापस से यहाँ पे आएगा। वापस इस बंदे को फिनिश किया, बट मैं नॉक हो गई भाई। कहाँ से कैंपर? अरे यार बंदे कहाँ रहते हैं? मैंने तीन बंदे की पूरी स्क्वाड खत्म की, बट एक बंदा पता नहीं कहाँ से आया, नॉक हो गई मैं। थैंक यू। कोई बात नहीं, अभी रिवाइव होके हीलिंग करके चलेंगे वापस से। या सामने की तरफ बंदा है, अरे भाई फिर से दो, कहां से हद होती है यार। हे भगवान नॉक हो गई मैं। क्या ही यार, क्या है भाई, पीछे से ही बंदे कहीं भी कैम करते हैं कसम से।
फाइनली में एक रैंडम मेड कर दिया था मैंने पे कि ताकि वो पीछे की तरफ चला जाए और मेरे को हीलिंग करने की टाइम मिल जाएगी। बट मेरे पास बैंडेज ही था, मेरे पास हीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी तो मेरे को बैंडेज ही करना पड़ा और वापस से मैं नाग भाई मेरे मुंह पे ही ठोक दिया। तो अभी मेरे को लगता है अभी फिनिश होने वाला है। ओह माय गॉड क्या है यार। अच्छा है मेरे भाई टीममेट ने बचा लिया, नहीं तो इधर भी पेटी बननी वाली थी। पर बूस्ट था, सिर्फ मेरे पास बैंडेज ही थे ओनली, तो मेरे को मौका नहीं मिला यहाँ पे। और यहाँ पे एक बंदा कैम कर रहा है कसम से, और फाइनली मैंने इसको देख लिया था। जब मैं यहाँ पे हीलिंग निकाल ले रही थी, पाई कर रही थी, तब मैंने इस बंदे का टकला देख लिया था। तो अभी चलते हूँ ऊपर की तरफ, शायद ऊपर बंदा है। इधर ही था मैंने डैमेज किया बहुत ज्यादा, नॉक भी नहीं हो रहा था। और इसी के साथ ही भाई फिनिश, इतना फायर देने के बाद भी नॉक, फिनिश हो गई मैं। कोई बात नहीं, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।